नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और बड़ी खबर अब यह है कि मेरठ का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। उसके बाद प्रियंका वाड्रा और ओवैसी जैसे लोगों को उस वीडियो को देखकर बहुत मिर्ची लगी। प्रियंका वाड्रा ने यह कहा कि देखिए ये किस तरीके से भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद सांप्रदायिक जहर भर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अफसरों के दिमाग में। और ओवैसी ने यह कहा कि मेरी कोशिश थी कि मैं मुसलमानों को कट्टरवाद से दूर ले जाऊं, लेकिन इस तरीके के अफसर उस कट्टरवाद की तरफ इन अफसरों को इन लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ओवैसी ये कह रहा है कि इस अफसर की जो बात है उसके बाद लोग कट्टर हो जाएंगे। दरअसल जो वीडियो सामने आया है वो है अखिलेश नारायण का, जो कि एसपी सिटी है, और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कुछ उपद्रवी जिहादियों को ये कहा था कि अगर तुम्हें पाकिस्तान इतना ही प्यारा है तो पाकिस्तान चले जाओ, और मैंने इस गली को पहचान लिया है। तुम लोग कहाँ से आए हो, कैसे हो, ये हम अच्छी तरीके से पता कर लेंगे और इसका तुम्हें अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। ये जो वीडियो है इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है पुलिस अफसरों ने। जिस तरीके से 20 दिसंबर को मेरठ के अंदर दंगे हो रहे थे और गोलियां तक चलाई गई थी और जो लड़के थे वो नारे लगा रहे थे मुंह पर कपड़ा बांध बांध के पाकिस्तान जिंदाबाद के, उसके बाद किसी भी भारतीय का अगर वो सच्चा भारतीय है तो उसका खून खोलेगा और वो वही बात कहेगा जो अखिलेश नारायण ने कही थी। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे अफसरों को बर्खास्त कर देना चाहिए और इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं तारिक अनवर ने कहा है कि पुलिस का कोई सीनियर अधिकारी इस तरीके की बातें करता है तो समझ लीजिए देश कहां जा रहा है। यानी कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, केजरीवाल टाइप के जो नेता हैं, इनके लिए देश के खिलाफ नारे लगाना तो जायज है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। देश के टुकड़े करने की बात की जाती है तब प्रियंका का भाई राहुल गांधी उन लोगों से मिलने जाता है, केजरीवाल समर्थन करता है। पुलिस पर गोली चलाने वाले और फिर उस गोलीबारी में मारे जाने वाले जिहादी उपद्रवी दंगाइयों से मिलने प्रियंका वाड्रा उसके घर पर जाती है। लेकिन अगर कोई पुलिस अफसर पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाने वाले व्यक्ति को ये कहता है कि पाकिस्तान अगर तुम्हें इतना ही प्यारा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो, तो फिर उस पर सवाल उठाए जाते हैं। निश्चित तौर पर ये इस देश के अंदर जो एक अलग तरीके की विचारधारा वामपंथ और कांग्रेस से मिलकर पनप रही है उसका नतीजा है कि ये लोग जिहादियों को समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, उनको बिरयानी खिलाते हैं और देश में दंगा करने वालों के लिए शहीद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। आपको याद होगा बिजनौर में प्रियंका वाड्रा उन लोगों से मिलने गई थी जो कि मारे गए थे दंगों में, और उसके बाद उसने ये कहा था कि ये लोग शहीद हैं जो देश के लिए शहीद हुए। अब आप समझ लीजिए इंदिरा कांग्रेस के इन नेताओं की जो सोच है वो किस तरीके की बन गई है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है, पाकिस्तान का भला करने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, वही इसकी बहन करती है और बहन इसकी अब पुलिस वालों को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जो कि दंगों को रोकने के लिए उन लड़कों को अगर उन्होंने सख्त लहजे में बात की है तो उसको कई चैनल और अखबार भी इसको ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि पुलिस के उस एसपी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। पुलिस चाहे किसी भी पार्टी के ज़माने में रही हो उसको ट्रेनिंग दी जाती है सख्ती से बात करने के लिए, और ये ऐसा होता आया है। अगर पुलिस का एसपी उन लड़कों को जो कि उपद्रव कर रहे हैं, पाकिस्तान का जिंदाबाद कर रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, भारत के खिलाफ तोड़फोड़ कर रहे हैं, अगर उनको वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इतना प्यारा है तो पाकिस्तान चले जाओ, इसमें क्या गलत है, इसको लेकर क्यों इतना ज़्यादा स्यापा बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा या असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के द्वारा, इसको आप समझ लीजिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने ही इस साजिश को अंजाम दिया था। और अब कांग्रेस को ये लगता है कि पुलिस की सख्ती के बाद ये पूरा का पूरा मामला शांत होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस अब इसको नए तरीके से पेश करके लोगों से को फिर से भड़काना चाहती है। और यही वजह है कि प्रियंका वाड्रा इस वीडियो को लेकर दोबारा से उपद्रव कराने की कोशिश में लगी हुई है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी इसी तरीके की बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने मुसलमानों को कट्टरवाद से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे अफसर उनको फिर से कट्टरवाद की तरफ ले जाने की अब अग्रसर हैं। यानी कि ओवैसी ये कहता है कि जो अखिलेश नारायण जो एसपी हैं मेरठ के उन्होंने कहा है उससे मुसलमानों को दिक्कत होगी, जबकि उन्होंने किसी मुस्लिम के लिए नहीं कहा, उन लड़कों के लिए कहा था जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसको लेकर मेरठ के जो एडीजी हैं उनका भी बयान आया और उन्होंने भी स्पष्ट किया कि इसमें
जो बात आई है सामने उसमें अफसर का कोई बहुत गलती नहीं है, अफसर ने वही कहा है जो कोई भी नेचुरल इस तरीके की स्थिति में कोई भी अधिकारी कर सकता है। और इस मामले में बड़ा खुलासा उसी वीडियो में हो जाता है कि जो लोग ऐसे नारे लगाकर भागे हैं, वहाँ जो खड़े हुए अन्य मुस्लिम लोग दिखाई देते हैं वो भी कहते हैं कि ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग जो अभी काले पीले कपड़े पहनकर ऐसा कर रहे हैं, जो ADM वहाँ पर कहते हैं, इनको पता नहीं है कि अगर इनको इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर इनका पूरा का पूरा फ्यूचर भी काला हो जाएगा। इसमें कोई उन्होंने बहुत अजीब बात नहीं की, लेकिन जो चैनल हैं, जो तमाम आज के पक्षकार हैं जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के इशारे पर पत्रकारिता करते हैं, वो इन बातों को अभद्र बता रहे हैं, इन बातों को आपत्तिजनक बता रहे हैं। जबकि इस तरीके की बातें अफसर बच्चों को समझाने के लिए अक्सर किया करते हैं कि अगर तुम गलत काम करोगे, अपराध में लिप्त रहोगे, तो तुम्हारा फ्यूचर काला हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस पूरे मामले में कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है अखिलेश नारायण और ADM को, जबकि उन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ उपद्रव की स्थितियाँ बन रही थी, और बाद में मेरठ के तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें तमाम लड़के गट्टों से फायर करते हुए नजर आ रहे हैं, देसी पिस्तौल से फायर कर रहे हैं, और उस फायरिंग के बाद में तमाम लोग घायल हुए थे। जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी थी, जिसके बाद दो लोगों की मौत भी हुई थी। निश्चित तौर पर अगर आप पुलिस पर पथराव करेंगे, देश के खिलाफ नारे लगाएंगे, पुलिस पर गोली चलाएंगे, और उसके बाद आप उम्मीद करें कि पुलिस आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी, क्योंकि पुलिस ने संविधान की शपथ ली है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसी संविधान के तहत जो अभी तक भारत के अंदर अभी भी IPC लागू है, उसी IPC में सेक्शन 100 की प्रोविजो 1 से लेकर 6 तक कहती है कि आप आत्मरक्षा में, संपत्ति की रक्षा में, लोगों की रक्षा में, लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा में आप गोली चला सकते हैं, हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ तो सिर्फ जो अधिकारी हैं वो सिर्फ बातों से ही काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रियंका वाड्रा जैसे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, दिग्विजय सिंह जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर समझ लीजिए कि अब उनके पास कहने को कोई और मुद्दा नहीं बचता है। वो इस बहाने से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक सरकार ने 90 लाख के नोटिस भेज दिए हैं उन उपद्रवियों के पास में, जिसके बाद अब कुछ जगह पर ऐसे उपद्रवियों के जो नोटिस गए हैं उससे पहले लोगों ने खुद इसके लिए चंदा करके पुलिस को पैसा देना शुरू कर दिया है। एक घटना आ रही है बुलंदशहर की, जहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग इकट्ठा होकर प्रशासन को 7 लाख रुपये का चेक भेंट करने गए, और उन्होंने कहा कि जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, हम उसमें मदद करना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये सब इसलिए हो रहा है कि रामायण में एक चौपाई आती है कि भय बिन होए न प्रीत, तो जब तक भय उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये उपद्रवी, ये दंगाई किसी भी हालत में सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। और जिस तरीके से ओवैसी जैसे लोग, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जैसे लोग इनको भड़का रहे हैं, उनके इशारों पर काम करते रहेंगे। लेकिन जब से ये इन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, और उन्हें पहले शुरुआत में लग रहा था जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं हर उपद्रवी को, जो भी संपत्ति होगी उसको कुर्क किया जाएगा, और जो संपत्ति का नुकसान राष्ट्र को हुआ है, प्रदेश को हुआ है, उसका वसूली की जाएगी, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि शायद ये मजाक हो रहा है। लेकिन अब पूरे प्रदेश में जिस तरीके से 400 से ज़्यादा ऐसे उपद्रवी दंगाइयों के, जिनकी की पहचान हो चुकी है पत्थरबाजी में, संपत्ति को आग लगाने में और तोड़फोड़ में, उनको नोटिस जाने के बाद अब लोगों को लग रहा है कि ये वसूली भी होकर रहेगी। और यही वजह है कि अब इस मामले को पलटने की, मोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इस तरीके के वीडियो पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि उसी वीडियो के साथ कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिनमें तमाम लोग गोली चलाते नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस वालों को घायल कर रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं। तो वैसे स्थिति में अभी तक आपको याद होगा कि गुजरात के अहमदाबाद का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें पुलिस के 2 महिला पुलिसकर्मी भी थी उसमें, और 3 से 4 पुरुष भी थे, उनको इकट्ठे होकर बाकायदा एक कोने में ले जाकर पीटा जा रहा था। लेकिन उस वीडियो पर अभी तक प्रियंका वाड्रा या उसके भाई या उसकी माँ का कोई न तो ट्वीट आया है, न बयान आया है, ना ही दिग्विजय सिंह से लेकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं ये दरिंदे हैं, ये बैसी हैं, ये शैतान हैं, ये देशद्रोही हैं। लेकिन पुलिस की एक बात सामने आ जाने के बाद में, पुलिस की सख्त लहजा सामने आने के बाद, जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश में जो दंगे हुए हैं वो इन्हीं लोगों की साजिश थी, और ये आज भी दंगाइयों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।